वेनिस। आपने इस रोमांटिक शहर के बारे में तो सुना ही होगा। ये शहर एक छोटे से इटालियन आइलैंड पे बसा हुआ है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कैनल्स, कलरफुल हाउसेस और गंडोलाज एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। एवरी अदर स्ट्रीट इज अ हिडन जेम इन वेनिस। इनफैक्ट यहाँ पे कई सारे फेमस बॉलीवुड मूवीज भी शूट हुए हैं। तो चलिए हमारे साथ एक्सप्लोर करते हैं इस रोमांटिक से शहर को। हम ना ऑलमोस्ट हर एक ब्रिज पे रुक रहे हैं और वेनिस का व्यू एंजॉय कर रहे हैं। एंड इफ़ यू कैन सी दोज आर द गंडोलास। एंड वो दूर से ना एक्चुअली छोटे दिखते हैं, बट पास से वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। थोड़े कॉस्टली है वो। और हाँ गाइस, आपको पता है ये वेनिस जो शहर है ना, ये एक्चुअली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये लिस्टेड है। ये हम ऐसे बहुत सारे सिटीज़ में गए हैं जिसको वेनिस ऑफ द नॉर्थ बोला जाता है। एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम फाइनली इन द रियल वेनिस। जो इतना वेनिस फेमस है, तो लग रहा है कि क्यों फेमस है, क्योंकि शहर काफ़ी सुंदर है एंड बहुत यूनिक भी है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। टू बी ऑनेस्ट, इस शहर जैसा शहर नहीं है। फाइनली आए हैं सेंट मार्क्स स्क्वायर, नॉट मार्केट स्क्वायर जयेश। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। मतलब अभी टाइम हुआ है 1:15। अगर आपको यहाँ पे आना है एंड इफ़ यू वांट दिस प्लेस टू योर सेल्फ, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे थोड़ा जल्दी आना, सुबह या फिर इवनिंग में आना, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। यहाँ पे ना कुछ सीगुल्स है, पता नहीं है कौन से बर्ड्स है, वाइट कलर के, पीजन तो नहीं लग रहे। अगर आपको पता होगा तो कमेंट में लिख दो। और मैंने ये देखा कि एक बर्ड ने क्या किया कि कोई एक वुमन खा रही थी कुछ, अब मुझे बहुत डर लग रहा है ये कुछ पॉटी ना कर दे मेरे सर पे। तो हाँ, मैंने देखा कि एक औरत कुछ खा रही थी और वो बर्ड ने उसका, शायद से बर्गर खा रही थी, तो उसका बर्गर उठा लिया उसने। मैंने अभी देखा, इट वॉज़ फनी। मैं कैप्चर नहीं कर पाई उस मोमेंट को, बट हाँ, संभाल के खाना यहाँ पर खाना आपका। आपको वो बॉलीवुड का वो सॉन्ग पता ही होगा, सजदे में यूं ही रुकता हूँ, जो बचना है हसीनों में है। तो वो सॉन्ग रणबीर कपूर एंड दीपिका पादुकोण का, वो सॉन्ग इस स्क्वायर में शूट हुआ है। सो यस, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हम वो स्क्वायर में है जहाँ पे वो वाला सॉन्ग शूट किया है। जब ये सॉन्ग शूट किया होगा, ये स्क्वायर पूरा खाली था। रणबीर एंड दीपिका पादुकोण, दे आर ऑल्सो नॉट हियर, सो दैट्स ऑल्सो समथिंग मिसिंग। बट येस, अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स वेरी नाइस। बहुत सारी फ़ोटोज़ निकाली है हमने अभी, एंड मोस्ट ऑफ द फोटोज़ विल बी ऑन इंस्टाग्राम। सो अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको हमारा हैंडल दिख जाएगा, तो डेफिनेटली फॉलो अस। एंड ये स्क्वायर में बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस है। सो यूजुअली कोई भी अगर टूरिस्ट आता है, तो मोस्टली दे स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम दिस प्लेस इट्सेल्फ। इफ़ यू कैन सी बिहाइंड मी, वहाँ पे जो बड़ा वाला चर्च है वो सेंट मार्क्स बेसिलिका है, एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। नेपोलियन ने बोला था कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चर्च इन यूरोप। लेट्स गो एंड चेक दैट नाउ। इतनी लंबी लाइन थी ये चर्च के सामने, एंड पूरे 20 मिनट के बाद वी हैव मेड अंटिल हियर, जो कि चर्च का एंट्रेंस है। तो येस, आई एम टायर्ड, बट अब यहाँ तक आई है तो अंदर भी जाके देख लेते हैं कैसा है ये बेसिलिका। बेसिलिका हमें 3 यूरो का टिकट लेना पड़ा, एंड वो 3 यूरो में बस बेसिलिका का ग्राउंड फ्लोर ही कवर्ड है। और हम ऊपर आए जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, सो यहाँ से भी व्यू अच्छा दिखता है। बाहर का व्यू, जो सेंट मार्क स्क्वायर का व्यू है, वो वहाँ से अच्छा दिखेगा। सो हम आए ऊपर एंड
द स्टेयर्स वेर वेरी स्टीप एंड हम ऊपर आने के बाद हमें पता चला कि हमारा 3 यूरो का टिकट यहाँ पे वैलिड नहीं है. वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है वहाँ पे जाने के लिए सेपरेट 7 यूरो का टिकट लग जाता है. सो हमें लगा कि वो वर्थ नहीं था, बट चर्च इज डेफिनेटली वर्थ फ्रॉम इनसाइड. आर्किटेक्चर इज रियली अमेजिंग फ्रॉम इनसाइड. आई वॉन्टेड टू टेल यू समथिंग. हम जिस होटल में रह रहे हैं एक्चुअली, तो उस होटल का नाम ना मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा. हम यूजुअली होटल के नाम नहीं बताते क्योंकि ऑफकोर्स मैं इसलिए ये होटल का नाम बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हुई जब हम 10 बजे पहुँचे उस होटल पे एंड वो होटल का चेक इन टाइम एक्चुअली 2 बजे था और उन्होंने हमारी रूम ऑलरेडी रेडी करके रखी थी. हमारी रूम भी अपग्रेड कर दी उन्होंने. सो मतलब हमने कुछ नहीं बोला था या फिर हमने ये भी नहीं बोला था कि हम YouTube के वीडियोस बनाते हैं और फिर आपका हम नाम लेंगे हमारे वीडियो में, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था हमने. उन्होंने ऐसे अपने मन से कर दिया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं वो होटल का नाम बताऊँगी क्योंकि मुझे उनकी सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. तो अगर आप आ रहे हो वेनिस में तो डेफिनेटली ये होटल चेक कर लेना. हमारे स्टे में हमारा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है, तो येस आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील. एंड मेन चीज़ मतलब क्या कि ये सिटी सेंटर में ही है एंड ये जो सेंट मार्क स्क्वायर है या फिर वो रियाल्टो जो ब्रिज था पहले दिखाया था हमने, वो भी ये होटल से बस 5 मिनट या 10 मिनट के डिस्टेंस पे है बाय वॉक. सो आई थिंक दिस इज़ अ प्रिटी गुड डील एंड दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. आई रियली लाइक देयर सर्विस, इसलिए मैं आपको ये होटल सजेस्ट कर रही हूँ. तो सेम स्क्वायर में और एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है जो कि है ये कैंपेनिल टॉवर, जो कि बहुत ऊंचा है एंड दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन वेनिस. इफ़ यू गो अप आपको बहुत अच्छा व्यू दिखेगा वेनिस का. हम नहीं जाने वाले क्योंकि बाहर ऑलरेडी बहुत लंबी लाइन है और हमने काफ़ी देर वेट किया सेंट बेसिलिका चर्च में एंटर करने के लिए. सो हमें थोड़ी भूख लगी है. और इसी स्क्वायर में एक और प्लेस भी है जो कि फेमस है, वो है ये डॉजेस पैलेस. तो ये भी अच्छा है बाहर से बट हमें नहीं पता अंदर से कैसा है. हमने फोटोज़ वगैरह देख ली है इसके ऑलरेडी. ये डॉजेस पैलेस जो है हमारे पीछे, तो इसके सामने एक और छोटा आइलैंड है एंड यहाँ से बहुत अच्छा व्यू भी मिल रहा है और यहाँ पे बहुत सारी गंडोलाज भी है. तो आपको दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है यहाँ से व्यू. जैसा ही आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं. तो ऐसा बोला जाता है कि बाय द ईयर ऑफ 2030 यहाँ के वेनिशियंस लोग जो है ये पूरे डिसअपियर हो जाएंगे और ये कहीं और मूव करेंगे एंड यहाँ पे बस टूरिस्ट ही रह जाएंगे. सो या दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली. एंड ऐसा भी बोला जाता है कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी वेनिस पूरा पानी के नीचे चला जाएगा एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट. एंड देर आर सम पीपल, देर आर साइंटिस्ट वर्किंग ऑन दिस इशू एंड आई होप ये सिटी हमेशा ऐसी ही रहे, पानी के नीचे ना जाए और लोकल लोग भी यहाँ के और सिटी के बाहर ना मूव हो. बात वेनिस की बहुत इंटरेस्टिंग लगी जो है यहाँ पे कार्स, फिर बसेस, ट्रेन्स, ट्रैम्स अलाउड नहीं है जो मेन सिटी सेंटर है वहाँ पे. और यहाँ पे बस वाटर ट्रांसपोर्टेशन अलाउड है, मतलब वाटर टैक्सीज, वाटर बसेस. यहाँ पर पुलिस, एम्बुलेंस और इवन गार्बेज कलेक्शन के लिए भी उनके उनके अपने बोट्स होते हैं, तो वो अपनी कार में या फिर कोई ट्रक लेके नहीं आते. सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे वेनिस के बारे में. एंड अगर आप यहाँ पे बाइसिकल चलाते हो या फिर आप स्केटबोर्ड भी करते हो तो आपको बहुत बड़ा फाइन भी लग सकता है. I got 2 souvenirs and I really like them.
सो अगर आप सुवीनियर्स लेते हो यहाँ से सिटी सेंटर से थोड़े बाहर के जो शॉप्स होते हैं वहाँ से लेना, क्योंकि वहाँ पर थोड़े चीप होते हैं एज़ कम्पेयर टू द सिटी सेंटर. मैंने अंदर जो सिटी सेंटर में जो शॉप्स थे ना, मैंने वहाँ पे आई थिंक 3 या 4 यूरो का एक फ्रिज मैगनेट देखा था और यहाँ पे 1 यूरो का है. तो डेफिनेटली सेव योर मनी इफ़ यू कैन यू नो बाय सुवीनियर्स लिटिल बिट फार फ्रॉम द सिटी सेंटर. एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल, लेट मी शो यू. वेनिस इज़ वेरी फेमस फॉर मास्क, क्योंकि यहाँ पे कार्निवल होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर वेनिस में ऐसे बहुत सारे मास्क दिखेंगे एंड सुवीनियर्स भी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मास्क. डिलीशियस लग रहा है ना श्रेया? यस, लुक्स वेरी नाइस. सो या लेट्स स्टार्ट. और मैं अभी हाथ से खाने वाली हूँ पिज्जा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है. हमने ऑर्डर किए हैं 2 पिज्जास और लेमन सोडा. अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दे देना, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. हम मिलेंगे आपसे नए वीडियो में. और वेनिस का ये पहला दिन हमें तो बहुत अच्छा लगा. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वॉज योर इम्प्रेशन अबाउट वेनिस. और हम मिलेंगे आपको नए वीडियो में.